नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। हिमाचल चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। रायपुर दुर्ग में येलो अलर्ट तो बस्तर बीजापुर में ऑरेंज अलर्ट जारी। सीतापुर में विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में सर्व आदिवासी समाज के कई हजार लोग शामिल हुए, जहां रैली निकालकर मांदर की थाप में और गानों में लोग थिरकते नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सुबह से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री भगत ने पट्टा जाति प्रमाण पत्र वितरण किया। वहीं मंत्री जी ने 122 मृतकीय दलों को वेशभूषा और चेक देकर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में भी विश्व आदिवासी दिवस की चमक देखने को मिली। विश्व आदिवासी दिवस के दिन समस्त आदिवासी समाज के लोगों ने कोटमी चौक रानी दुर्गावती मूर्ति पर माल्यार्पण कर भव्य रैली निकाली, जो पिंडरा गौरेला के मुख्य मार्गों से होते हुए हाई स्कूल मैदान में समाप्त हुई, जिसे गोंड समाज के अध्यक्ष ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज के मानवीय अधिकारों का संरक्षण, उनके जल जंगल जमीन के अधिकार संरक्षित करने, आत्मसम्मान कला संस्कृत के अस्तित्व को कायम रखने एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार व आदिवासी समाज के जन जागृत हैं। साथ ही समाज के व्यापक बुराइयों जैसे शराब का सेवन, शिक्षा का निम्न स्तर, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव, उन्न कृषि का अभाव जैसी बुराइयों को मिटाने के लिए आदिवासी समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज विश्व आदिवासी दिवस था और पूरे देश और दुनिया के आदिवासी आज त्यौहार के रूप में 9 अगस्त को मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासियों के मान सम्मान को रखने के लिए उनके त्यौहार के लिए 9 अगस्त को छुट्टी भी की है। जगह जगह आदिवासियों के उत्थान के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसका स्टॉल भी लगाया गया, लोगों को वन अधिकार पत्र भी दिया गया। विशेष संरक्षित जनजाति जो कोरवा पंडो हैं उनको विशेष नियुक्ति भी दिया गया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल के सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश हाल ही में हिमाचल दौरे से वापस लौटे हैं व घोषणा पत्र समिति के बैठक में भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री के ऑब्जर्वर बनाए जाने और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि जहां पर भी भूपेश बघेल गए हैं कहीं सफलता नहीं मिली है, सभी जगह से खाली हाथ लौटकर सामने आए हैं। गुजरात में वहां भी वही स्थिति बनेगी, खाली हाथ आएंगे, क्योंकि वह जिस मॉडल को लेकर जा रहे हैं उन्हें अस्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ में भी उनके मॉडल की बात की जाए तो हड़ताल में कहीं नहीं है। वहीं जवाब में कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, मुख्यमंत्री को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आबोहवा कांग्रेस के पक्ष में है। हिमाचल प्रदेश में तो इस बार दूर से दिखाई दे रहा है कि सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ कोऑर्डिनेट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि हिमाचल की आबो हवा कांग्रेस के पक्ष में। देखिए, जहाँ पर भी भूपेश बघेल जी गए हैं कहीं सफलता नहीं मिली है, सभी जगह से खाली हाथ लौट करके आए हैं, और चाहे हिमाचल हो गुजरात हो वहाँ भी लगभग वही स्थिति बनेगी, खाली हाथ आएंगे, क्योंकि वो जिस मॉडल को लेकर के जा रहे हैं, जिस बात को कर रहे हैं, लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। और छत्तीसगढ़ के अंदर ही यदि हम उनके मॉडल की बात करेंगे तो धरातल इस पर जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। प्रदेश भर में मानसून तेज हो चुका है, जिसके चलते मंगलवार को झमाझम वर्षा हुई। रायपुर दुर्ग और बस्तर संभाग में विभिन्न जिलों के साथ पूरे प्रदेश भर में वर्षा हुई। इस बात का अंदाजा इसे देखकर ही लगाया जा सकता है कि नदी नाले कितने उफान पर आ चुके हैं। साथ ही मुख्य सड़कों पर भी जलभराव की स्थिति बन गई है। राजधानी रायपुर में भी बीते 24 घंटों में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जिस वजह से कई इलाके जैसे गायत्री नगर, गली नंबर 3, हनुमान नगर जलमग्न हो गए हैं।
घरों और कॉलोनियों में पानी भर गया है। इसी के साथ रायपुर में बलौदा बाजार जाने वाले नेशनल हाईवे के ऊपर छोकरा नाला भी उफान पर है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बुधवार को भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा का और कुछ क्षेत्रों में अति भारी वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य छत्तीसगढ़ में बना रहेगा। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग समेत 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही बस्तर, दंतेवाड़ा समेत 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ मौसम विभाग ने आज भी भारी वर्षा की चेतावनी दी है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।